हेलो एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गोजी। सिविल इंजीनियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं सुदीप कुमार अग्रवाल, स्ट्रक्चर डिजाइनर, और आप सभी के लिए सिविल गोजी। आज का सेशन थोड़ा सा यूनिक है। इसमें हम कुछ डिफरेंट करने वाले हैं। एक स्ट्रक्चर ड्राइंग लेने वाले हैं जो हमारे इंजीनियर ने बनाया है, उसमें क्या क्या एरर आया है उसको सॉल्व करते हुए देखेंगे। इससे क्या प्रॉफिट होगा, एक एरर जो उनका आया हो सकता है वो एरर आपका हो, तो इसमें मेथड समझना कि कैसे कैसे सॉल्यूशन कर रहे हैं। ई टाइप के ड्राइंग में जाने से पहले ऑटोकैड की ड्राइंग में चलते हैं कि उनकी ड्राइंग क्या थी, उस हिसाब से अपन लोग जज कर पाएंगे कि उनने स्ट्रक्चर ड्राइंग जो बनाई थी उसमें क्या मिस्टेक्स थी। सर की ऑटोकैड ड्राइंग आ गई है, बहुत बेसिक सर ने ड्राइंग बनाई है, सर ने कॉलम उस हिसाब से अपने हिसाब से अरेंज किए, इसी हिसाब से ई टाइप में लेके गए। अब ई टाइप की ड्राइंग देखते हैं, ये सर की ई टाइप की ड्राइंग है। अब दोनों को कंपेयर करते हैं साइड बाय साइड रख के। इस तरीके से हम लोग साइड बाय साइड देख सकते हैं, एक तरफ ऑटोकैड की, एक तरफ स्ट्रक्चर ड्राइंग। पर्सनल सजेशन, कभी भी हम सॉल्व करते हैं, कभी भी स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं, तो मैं हर दम इसी तरह से काम करता हूं। काम करने से पहले भी एक तरफ किनारे पे ऑटोकैड रखता हूं, दूसरे तरफ ई टाइप पे काम करता हूं। तो ऐसे काम करते समय तुरंत ऑटोकैड की ड्राइंग दिखती रहती है, तो मॉडिफाई करना और उसको समझना बहुत आसान हो जाता है। स्ट्रक्चर ड्राइंग को भी मैं प्लान फॉर्म में कर देता हूँ, जिससे आइडेंटिफाई करने में आसान होगी कि कहाँ पर सर ने बीम दी है और कहाँ पर नहीं दी है। सबसे पहले प्लान में चलते हैं, ग्राउंड फ्लोर से ही देखते हैं। इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं, मैंने इसको भी प्लान में ले आया और ये भी ग्राउंड फ्लोर प्लान में, उसको भी थोड़ा सा जूम कर देते हैं। इस तरीके से सबसे पहले अपन लोग को दोनों तरफ ग्राउंड फ्लोर प्लान मिल गया। अब ग्राउंड फ्लोर प्लान मिल गया तो सबसे पहले देखते हैं कि दोनों में बीम सही जगह प्रोवाइड की गई है कि नहीं। जैसे आपका कॉलम टू कॉलम है, जिस तरह से ये कॉलम C1 से C2 एक बीम जाएगी, यहाँ पर भी उस तरह से बीम बना हुआ है, ठीक है। देखते हैं उस तरह से पूरे में बना हुआ है। इतनी बीम की हमें आवश्यकता है और यही पूरी बीम सर ने यहाँ बनाई है, सही है ये तो। अब कॉलम का पोजीशनिंग देखते हैं, तो यहाँ पर दिख रहा है ये पोजीशन गलत है। आपका कॉलम कैसा आना चाहिए था, इस तरह से। ये ऐसा क्यों हुआ, आपको ओरिएंटेशन के लेक्चर में बहुत अच्छा समझ में आया कि कॉलम का ओरिएंटेशन किस तरह से होता है, वाला एक बार चेक करेंगे तभी वाला पॉइंट समझ में आएगा कि मैं कॉलम ऐसे के बदले ऐसा क्यों रखने के लिए बोल रहा हूँ। सेम हियर ऑटोकैड में और उसके बाद ई टाइप में देखेंगे कि कौन से कॉलम का ओरिएंटेशन गलत है और वो ओरिएंटेशन गलत है तो उसका रीजन क्या है। मतलब ओरिएंटेशन हो सकता है कि बाय डिफॉल्ट मुझे गलत ही रखना पड़ रहा है। जैसे सही ओरिएंटेशन कैसे पहचानते हैं, इसके मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका मूवमेंट किस तरफ ज्यादा है किस तरफ कम है। अपन को पता है कि शॉर्टर साइड मूवमेंट ज्यादा रजिस्ट कर सकता है एज कम्पेयर टू लॉन्गर साइड। ये आपको मैं एक स्केल के एग्जांपल से बहुत अच्छा समझाया था, जो उसका लॉन्गर साइड है उस तरफ बेंड करेंगे तो आसानी से बेंड हो जाएगा, जो शॉर्टर साइड के परपेंडिकुलर फोर्स लगाएंगे तो बेंड नहीं हो पाएगा। सेम कॉन्सेप्ट आपके कॉलम में चलता है। साथ ही साथ अब जितने भी हमने ऑटोकैड में इसका देखा था कि गलत हुए उसको ई टाइप में मार्क करता हूँ मैं, जिससे आप उसका ओरिएंटेशन चेंज कर सके। यही चीज मैं ई टाइप में करूँ तो आपका ये तीन कॉलम गलत है, इसका ओरिएंटेशन हमें चेंज करना पड़ेगा। ई टाइप में हम क्यों मार्किंग कर रहे हैं, क्योंकि फाइनल काम तो हमें ई टाइप में ही करना है, तो पता होना चाहिए कौन सा कॉलम गलत है जिससे उसका ओरिएंटेशन चेंज कर सके। तो तीन कॉलम हुआ। अब यहाँ पर ये दो कॉलम भी आपके गलत हैं, परंतु इनका ओरिएंटेशन चेंज नहीं कर सकते। क्यों, कहीं अपन लोग प्लान में देखें तो अलग से ऑड दिखने लगेगा, इस तरह से मैं कॉलम प्लेस करूंगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई सा भी कॉलम प्लेस कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि स्ट्रक्चर के हिसाब से वो सही है कि नहीं, उसके बाद फिजिबिलिटी है कि नहीं उसकी, कि मतलब आपका आर्किटेक्चर अलाउ कर रहा है कि नहीं उसको। कुछ ऐसा काम कर दें जिससे क्लाइंट को नुकसान हो रहा है, क्लाइंट के व्यू को ख़राब कर रहा है, तो क्लाइंट अगली बार आपको काम नहीं देगा, तो हरदम उसको भी खुश करना है साथ ही साथ। अब इसमें क्या होगा, कहीं मैं कॉलम को ओरिएंटेशन गलत दे रहा हूँ तो उससे नुकसान क्या हो रहा है, उससे नुकसान ये होगा कि रेनफोर्समेंट थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ेगा। कहीं क्लाइंट को वो चल जाएगा कि रेनफोर्समेंट थोड़ा सा ज़्यादा में उसको फिजिबल है, तो वो रेनफोर्समेंट ज़्यादा कर देगा। इस तरीके से आप पूरे कॉलम्स को चेक करेंगे। अब जैसे अब अपन लोग ने आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन से कॉलम गलत है, उनका ओरिएंटेशन चेंज करना है, तो कॉलम का कभी भी ओरिएंटेशन चेंज करना है तो सिंपल उस कॉलम पर क्लिक नहीं करते,
उसको सिलेक्ट करते। जब आप ये काम करें तो कभी भी एक फ्लो का कॉलम चेंज नहीं होगा, नीचे से लेके ऊपर तक हर कॉलम का ओरिएंटेशन चेंज होना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर जो वन स्टोरी लिखा है उस पर क्लिक करेंगे और ऑल स्टोरी में क्लिक कर देंगे, तो क्या होगा, जो भी चेंजेस कर रहे हैं वो आपका पूरा नीचे से लेके ऊपर तक, जिसको ऑल स्टोरी बोल रहे हैं, ऑल स्टोरी में चेंजेस आएंगे। अब फिर से सिलेक्ट करते हैं, ये दो कॉलम को सिलेक्ट किए। अब आपको क्या चेंज करना है, इसका ओरिएंटेशन, तो एक तरह से बोल सकते हैं इसको असाइन करना है कुछ चीज। तो असाइन में जाएंगे, असाइन में ये कॉलम क्या है, फ्रेम है, तो फ्रेम में जाएंगे। फ्रेम में इसका क्या चेंज करना है, ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन को एक्सेस भी बोल सकते हैं, लोकल एक्सेस में जाएंगे। अब लोकल एक्सेस में जितना एंगल लिखा हुआ है, जीरो लिखा हुआ है तो उसको 90 कर देंगे, 90 लिखा हुआ है तो उसको जीरो कर देंगे, लिख दिए, अप्लाई कर देंगे। देखेंगे आपके कॉलम के ओरिएंटेशन चेंज हो गए। इसी तरह से पूरे कॉलम को करेंगे। अब यहाँ पर पूरे कॉलम्स और बीम्स का लोकल एक्सेस दिखाने लगा है, इसको वापस ओरिजिनल शेप में लाना है, तो यहाँ पर अंडिफॉर्म शेप है, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे अभी हमने अंडिफॉर्म शेप किया तो ये पूरा आपका ओरिजिनल शेप में आ गया। अब आपको साथ ही साथ याली कॉलम का भी ओरिएंटेशन चेंज करना है, तो सबसे पहले चेक करेंगे कि ऑल स्टोरी है कि नहीं। हाँ, ऑल स्टोरी है, इस कॉलम को सिलेक्ट किए, एक तरह के ये इस तरह का है, मतलब ये 90 डिग्री पे, तो जितने भी इस तरह के उस कॉलम को इकट्ठा सिलेक्ट करेंगे और जितने भी ये 0 डिग्री में इस कॉलम को इकट्ठा करेंगे। फिर से मैंने कॉलम को सिलेक्ट किया, असाइन में गया, फ्रेम में गए, लोकल एक्सेस, लोकल एक्सेस में आप एंगल चेंज कर देंगे 90 डिग्री के बदले 0 डिग्री और अप्लाई कर देंगे, तो इसका ओरिएंटेशन चेंज हो गया। फिर वापस अंडरफॉर्म शेप में आ जाते हैं। इस तरह से हम पूरे कॉलम को चेक, उसका ओरिएंटेशन चेक किए, उसको आर्किटेक्चर के हिसाब से और साथ ही साथ स्ट्रक्चर के हिसाब से बैलेंस करते हुए पूरे कॉलम का ओरिएंटेशन सेट किए। इसके बाद हर फ्लो में बीम चेक करेंगे कि सही प्रॉपरली दिया गया है कि नहीं। जैसे अब मैं फर्स्ट फ्लो में आता हूं तो यहां पर पूरे प्रॉपरली बीम दिए गए हैं, साथ ही साथ स्लैब को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि जो बीम है उस पर लोड आए। और ऊपर चलते हैं, अब यहाँ पर देखते हैं कि मैं स्टोरी 3 टेरिस पर देख रहा हूँ कि सर ने यहाँ पर बीम देना मिसिंग कर दिए। जनरली हमारा कंसिडरेशन क्या होता है, बीम वॉल लोड लेती है या फिर स्लैब लोड लेती है, परंतु उसका एक और काम होता है कि वो कॉलम को लेटरल स्टेबिलिटी देती है। लेटरल स्टेबिलिटी मतलब ऊपर से जितना वर्टिकल लोड आ रहा है वो तो कॉलम आसानी से बियर कर सकता है क्योंकि वो पूरा कंप्रेशन होता है, परंतु लेटरल, जैसे हम खड़े हैं आपको पीछे से पुश आया, वो एक तरह से आप समझ सकते हैं वो लेटरल लोड है, तो लेटरल लोड कॉलम का बियर करने के लिए बीम भी हेल्प करता है, उसको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो इसके कारण यहाँ पर एक बीम देना आपको कंपलसरी है। तो ड्रॉ बीम में जाता हूँ मैं, बीम की प्रॉपर्टी सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर कोई भी वॉल नहीं है, वॉल लोड नहीं है, तो भी आपको यहाँ पर बीम देना पड़ेगा। अब जैसे ही मैं यहाँ पर बीम दिया हूँ तो ये स्लैब दो हिस्से में डिवाइड होना चाहिए, तो इस स्लैब को सिलेक्ट किए, किस पॉइंट से डिवाइड होना चाहिए, इस बीम से, तो इस बीम को सिलेक्ट किए, एडिट में गए, एडिट शेल, आपका जितना भी स्लैब है वो शेल टाइप में आता है, तो एडिट शेल में गए, उसके बाद डिवाइड शेल, डिवाइड शेल में सबसे पहला कुकी कट और अप्लाई कर देंगे। इस तरह से आपके स्लैब डिवाइड हो गए। अब नेक्स्ट फ्लो में चलते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि ये स्टेकेस है, मैं 3D में देखता हूँ, सर ने अभी स्टेकेस बनाई नहीं है। यहाँ पर जो स्टेकेस टावर बनेगा, स्टेकेस टावर के ऊपर वाटर टैंक रहेगा, वाटर टैंक का हैवी लोड आने वाला है, तो इसके कारण हमें यहाँ पर 3 कॉलम में काम नहीं बन पाएगा, हमें एक चौथा कॉलम भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। परंतु अब ये चौथा कॉलम कहाँ प्रोवाइड करें और कैसा होना चाहिए, उसके लिए हमें आर्किटेक्चर प्लान में जाना पड़ेगा कि आर्किटेक्चर प्लान ही बता पाएगा कि वो कॉलम कहाँ पर रख सकते हैं और उसका ओरिएंटेशन कैसा होगा। चलते हैं अब आर्किटेक्चर प्लान में। जैसे मैं यहाँ पर आर्किटेक्चर प्लान में गया हूँ, अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर मैं कॉलम दे दूँ तो कोई दिक्कत होगी क्या। अब ये चीज मुझे एक बार क्लाइंट से भी डिस्कस करनी पड़ेगी, या फिर जो आर्किटेक्ट है जिसने प्लानिंग की है वो यहाँ पर एक कॉलम दे दूंगा तो उसको कोई दिक्कत आ रही है, वो यहाँ पर वॉल बना रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, कहीं वो यहाँ पर वॉल नहीं बना रहा होगा तो उसको नहीं पसंद आएगा कि आप यहाँ पर कॉलम दें, तो उस केस में क्या होगा, आपकी बीम की डेप्थ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। पहले हम, मैं ट्राई करूँगा कि उसका कॉलम यहाँ आए या फिर इसी के पैरेलली यहाँ पर आए, तो जैसे क्लाइंट से डिस्कस हुआ
तो उस हिसाब से मैं कॉलम को प्लेस करूंगा। कॉलम को प्लेस करने के लिए फिर मैं ऑल स्टोरी में जाऊंगा। ऑल स्टोरी में जाने के बाद कहीं ग्रिड सिस्टम आपका बंद हो गया है तो राइट क्लिक ग्रिड विजिबिलिटी पर क्लिक करेंगे तो पूरा ग्रिड सिस्टम वापस आ जाएगा। ऐसे आप कॉलम में जाएंगे, जैसे यहाँ पर मुझे दिख रहा है दो कॉलम का ऑप्शन है, एक है 230x350 और दूसरा है 230x500। 230x350 मैं सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर इसका ओरिएंटेशन कैसा होना चाहिए, ज्यादा लोड इस तरफ से आ रहा है तो इसका इस तरफ होना चाहिए कॉलम का शॉर्टर साइड, तो मैं यहाँ पर एंगल डाल देता हूँ 90 डिग्री, तो इस तरह से कॉलम हो गया। ध्यान रखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि सिर्फ एक फ्लोर में कॉलम नहीं बनाएंगे, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक पूरे में कॉलम होना चाहिए, वरना वो क्या हो जाएगा, एक फ्लोटिंग कॉलम हो जाएगा। एज पर न्यू IS स्टैंडर्ड फ्लोटिंग कॉलम को रिजेक्ट करता है। पुराने वाली IS कोड में वो अवॉइड करने के लिए बोलता था कि जितने भी फ्लोटिंग कॉलम है उसको अवॉइड करो, स्पेशली इन जोन 3 एंड अबव। अब जो नया IS कोड आया है उसके हिसाब से वो हर जगह फ्लोटिंग कॉलम को टोटली मना करता है, तो इस कारण हमारा कॉलम फर्स्ट फ्लोर छत से लेके पूरे नीचे तक हर जगह होना चाहिए, जो कि है। मैंने ये देखा है कि इंजीनियर्स जनरली नया कॉलम बना तो देते हैं परंतु ये फाउंडेशन डालना भूल जाते हैं। क्या हो रहा है कि बाकी सब में तो फाउंडेशन डाला हुआ है, ये वाला सपोर्ट आपका फिक्स नहीं हुआ है। यहाँ पर वन स्टोरी कर दिया हूँ मैं, तो फिर से पूरे को सिलेक्ट कर देता हूँ, असाइन ज्वाइंट, ज्वाइंट में रीस्टेन। रीस्टेन क्यों, अब सपोर्ट को फिक्स करने का चाह रहे एक रीस्टेन पैदा कर रहे, तो रीस्टेन में क्लिक करेंगे तो फिक्स सपोर्ट का जो आइकन दिख रहा है उस पर क्लिक कर देंगे, अप्लाई ओके। तो इस तरह से आपका स्ट्रक्चर का बेसिक, मतलब मैंने अभी एनालाइज नहीं किया, डिजाइन नहीं किया, उसके पहले जो जो करेक्शन हुए वो चेक किए। कहीं आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आपको लग रहा है इससे आपको सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट कीजिए। बने रहिए इसी जोश के साथ। जय हिंद जय भारत।